यहाँ पे एक मैग्नेट इधर दे रखा है, एक मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट, तीसरा मैग्नेट, ठीक है, यहाँ तक आपका सब सही है। बस ये वाला जो मैग्नेट है, हाँ, जो इस तरफ का मैग्नेट है ना, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फ्रेम टच हो रहा है इधर नीचे जाके। मैग्नेट दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये मैग्नेट को थोड़ा सा हाथ से नीचे करना पड़ेगा। ये नीचे आ गया, हाँ, अब आप ये देखिए, अब ये अपना स्टिक है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसको गेट को मैं बंद करके खोल के आपको दिखाता हूँ। अपना कर्टन कहीं भी हैंग नहीं हो रहा, कहीं भी फॉल नहीं कर रहा। अब हम इस वाले फ्रेम की बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो इधर अपने दो मैग्नेट चिपक चुके हैं, इस साइड का जो हमारा मैग्नेट है डेट इज़ ऑल्सो परफेक्ट, बट जो अब हमारा इस कॉर्नर का मैग्नेट रह गया, मैग्नेट है हमारा इधर, लेकिन ये जो टच कर रहा है मेटल फ्रेम के साथ वो कर रहा है इधर। तो इस मैग्नेट को आपको एकदम कॉर्नर तक लेके आना पड़ेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। अब आप देख सकते हैं मैग्नेट में कॉर्नर पे ले आया इसको खिसका खिसका के। अब हम इसको चिपकाएंगे, अब आप अगर देखेंगे इस गेट को मैं बंद करूंगा तो ये कर्टन अब अपने फॉल नहीं करेंगे गेट खोलते टाइम, क्योंकि मैग्नेट अपना चारों तरफ से स्टिक है, तो मैग्नेट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये अगर हल्का फुल्का थोड़ा सा आपका बाहर भी जा रहा है इतना सा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का बाहर जा रहा है, उससे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अपना ये यहाँ पे साइड ब्लीडिंग लगा हुआ है। और अदरवाइज साइड ब्लीडिंग ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट आपका पूरा प्रॉपर ही बंद होगा। जो क्वार्टर ग्लास है अपना, इसके अंदर मैग्नेट्स कहीं नहीं होते, बिकॉज आप देख सकते हैं कहीं मेटल नहीं है मैग्नेट्स चिपकाने के लिए। इसको खाली आपको इसको यहाँ पे फिक्स करना होता है, दैट्स इट, बस।